नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान सौर ऊर्जा में नंबर वन, यानी कि अब राजस्थान में कुल सोलर एनर्जी की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी हो चुकी है, 16,060 मेगावाट। इसके बाद यहाँ कुछ और भी दी गई हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा में कितनी क्षमता है, बायोमास में कितनी है, लघु हाइड्रो ऊर्जा में कितनी है, तो इन सारी चीज़ों का आज हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ है कोटा के ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 115 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी। अगली न्यूज है जैसलमेर में पंजीयन के लिए डोर टू डोर शिविर, तो कौन सी योजना में पंजीयन के लिए बात हो रही है, ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अगले पेज पर हम देख पा रहे हैं कि 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जल्द शुरू होंगी बाल वाटिकाएं। तो कुछ टाइम पहले हमने अभी सुजस की क्लास में बाल वाटिकाओं के बारे में पढ़ा, ये क्या है, और साथ ही महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। बाल वाटिका यहाँ भी लिखा हुआ है संक्षेप में कि 3 वर्ष आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षाएं यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये पहल है राज्य सरकार की। इधर आप देख पा रहे हैं ये है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है, पात्र कौन है, पेंशन कितनी मिलेगी, किस आयु वर्ग के लोग इसके लिए पात्र होंगे और किसको कितनी पेंशन मिलेगी, ये सारी चीज़ आज हम डिटेल में देखेंगे। अगले पेज पर हम देख पा रहे हैं सक्षम बांसवाड़ा अभियान, जहाँ 57,000 लोग इससे लाभान्वित हुए। प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता शिविर, तो सिलिकोसिस नीति जो राज्य सरकार की है, सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई, 2019, तो इस योजना को यानी कि सिलिकोसिस नीति को कल की सुजस वाली क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था, आज वापस इसी को लेकर एक न्यूज है। इधर है बीकानेर जिले में स्मार्ट टीवी से पढ़ाई में मदद, और यहाँ दी गई है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना को शुरू में हमने कई बार पढ़ा था, उसको पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, तो अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को एक बार वापस आज हम रिवाइज करेंगे। देखते हैं हमारा इंडेक्स, तो 3 खास चीज़ें निकल के आती हैं इंडेक्स में। सबसे पहली है सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम, दूसरी है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन सम्मान योजना, और तीसरी है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले है सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम, यानी कि अब राजस्थान में कितनी एनर्जी हो चुकी है सोलर एनर्जी, 16,060 मेगावाट, और इसके साथ ही राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर आ चुका है। दूसरी ऊर्जा है पवन ऊर्जा, जिसमें अब राजस्थान की कितनी उत्पादन क्षमता हो चुकी है, 4,576 मेगावाट। ये कल तक की जानकारी है, और कल यानी कि क्या डेट थी, 11 दिसंबर 2022। मैं ये बात इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे राजस्थान पहले नहीं दूसरे पर है या तीसरे पर है, तो हो सकता है पुरानी जानकारी में कुछ और हो। ये अब लेटेस्ट न्यूज है जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है सोलर एनर्जी में 16,060 मेगावाट के साथ, और ये 11 दिसंबर 2022 सुजस ई बुलेटिन की न्यूज है, जिसमें पवन ऊर्जा में 4,576 मेगावाट, बायोमास ऊर्जा में 125 मेगावाट और लघु हाइड्रो ऊर्जा में 24 मेगावाट राजस्थान की उत्पादन क्षमता हो चुकी है। इसके साथ ही यहाँ 2 सोलर पार्क के बारे में जिक्र किया गया है कि राजस्थान में कौन से हैं जो 2 खास सोलर पार्क हैं। केवल 2 को ही हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि 2 ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है बढ़ला जोधपुर, ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 2,245 मेगावाट। इसके बाद दूसरा जो है वो है नोख जैसलमेर में, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 925 मेगावाट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं राजस्थान की कुल उत्पादन क्षमता सौर ऊर्जा में कितनी हुई है, 16,060 मेगावाट, इसमें से अकेले एक ही पार्क में कितनी है, 2,245 मेगावाट, और इतनी उत्पादन क्षमता के साथ ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन चुका है। एक खास बात कि सौर ऊर्जा नीति राज्य सरकार की, उसके अनुसार ये घोषणा की गई यानी कि एक लक्ष्य रखा गया है कि 2024-25 तक राजस्थान सरकार 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हासिल कर पाए। अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन सम्मान योजना। विशेष योग्यजन यानी कि दिव्यांगजन, इसका उद्देश्य क्या है, दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। कौन से विभाग द्वारा संचालित है,
तो ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अब आप पूछेंगे कि इसकी डेट क्या है। कुछ योजना ऐसी हैं जिनमें जो दिनांक है वो ना तो किसी ऑथेंटिक सोर्स पर मिलती है, यानी कि ना तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उसकी साइट पर इसकी कोई डेट दी गई है, ना ही जो आर्थिक समीक्षा है उसमें इसकी कोई डेट दी गई है, और ना ही आज की सुजस पत्रिका जो आई उसमें इसकी कोई डेट दी गई है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिनमें कोई ऑथेंटिक तारीख हमें नहीं मिल पाती। उसका कारण ये है, कई बार एक सरकार को योजना शुरू करती है, फिर हो सकता है कई बार योजना का नाम परिवर्तित हो जाता है, पुरानी योजना किसी नए नाम से लॉन्च हो जाती है। तो ऐसी जो योजनाएं हैं उनकी कई बार जो डेट है ओरिजिनल कि वो कब से शुरू हुई वो मिलने में कठिनाई होती है। ना तो वो किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर मिल पाती है, ना ही वो समाचार पत्रों में मिल पाती है। तो वही समस्या हमारी भी है, इसकी भी दिनांक अगर आपको कोई असली सोर्स में यानी कि जो प्रमाणिक कोई सोर्स हो वहाँ मिले तो ज़रूर बताएं, वरना ऐसी न्यूज या ऐसी योजना जिसकी तारीख सरकार ने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल रखी, आर्थिक समीक्षा में नहीं डाल रखी, तो इसका मतलब यह है कि उसकी दिनांक पूछे जाने की भी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि हो सकता है कई बार एक योजना का नाम बदल के कुछ और किया गया। जैसे हमने कल पढ़ा पालनहार योजना, तो उसकी भी डेट में लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप लोगों ने पूछा इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ ढांड के वो निकाली पुरानी योजना, तब उसकी डेट थी फरवरी 2005 से शुरू हुई। ऐसे ही हो सकता है इसकी भी कोई पुरानी डेट हो लेकिन वेबसाइट पर नहीं दी हुई है, आर्थिक समीक्षा में भी नहीं दी हुई है, सुजस में भी नहीं दी हुई है, तो जाहिर सी बातें पूछे जाने की संभावना भी कम बनती है। फिर भी अगर आपको मिले तो आप मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ है पात्रता इस योजना के लिए, कौन कौन पात्र हैं। तो राजस्थान का मूल निवासी होना इसके लिए अनिवार्य है, और अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, तो 60,000 रुपये इसके लिए अधिकतम वार्षिक आय। एक खास नोट यह है कि BPL अंत्योदय और आस्था कार्डधारी जो परिवार हैं या सहरिया कथोड़ी खैरवा जाति के जो विशेष योगजन हैं उनको जो अधिकतम आय संबंधी शर्त है उसमें छूट प्रदान की गई है। श्रेणी कौन सी श्रेणी के लोगों को या जो दिव्यांगजन हैं, किस आयु के दिव्यांगजनों को प्रति माह कितनी पेंशन दी जाएगी वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे 55 वर्ष से कम आयु की अगर महिला और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष दिव्यांगजन जो हैं उनको 750 रुपये प्रति माह पेंशन राशि दी जाएगी। 55 वर्ष और अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष और अधिक आयु के पुरुष तब उनको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन राशि दी जाएगी। 75 वर्ष से अधिक आयु के महिला व पुरुष दोनों इसमें शामिल हैं, 75 वर्ष या अधिक तब उनको 1,250 रुपये प्रति माह पेंशन राशि दी जाएगी। और यदि सिलिकोसिस से या कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है, यहाँ उनकी आयु कोई कैटेगरी में नहीं है, यानी कि किसी भी आयु के वो हो सकते हैं, सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांगजन, तब उनको 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन राशि दी जाएगी। ये चिरंजीवी योजना का जो सरकार द्वारा अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ ऐड है वहीं से लिया गया है, ये इमेज वहीं से कॉपी की गई है, जिसमें दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो योजना में निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन लोग हैं और शुल्क श्रेणी में कौन कौन लोग हैं। जो शुल्क श्रेणी में हैं उनको 850 रुपये प्रति माह प्रति परिवार देना होगा, और जो निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन है, जैसे कृषक, लघु और सीमांत कृषक, संविदा कर्मी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, साथ ही निराश्रित व असहाय परिवार, यहाँ बहुत छोटे छोटे में लिखे हुए हैं, इसको हमने आगे की स्लाइड में भी लिखा हुआ है। यहाँ केवल ये दिखाने का पर्पज है कि सरकार की अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अगर आप डाल के सर्च करेंगे, तो हर पेज पर कई बार आपको सबसे पहले यही पेज दिखेगा। इस योजना में यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब कितनी कर दी गई है बीमा कवर की राशि, तो 10,00,000 रुपये ये घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में। पहले इसमें ये राशि कितनी थी, 5,00,000, अब बढ़ा के की गई है 10,00,000। एक और खास बात, दूसरी बात यह है कि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो है उसमें बीमा कवर कितना है, 5,00,000 रुपये, लेकिन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा कवर कितना है, 10,00,000 रुपये। दोनों चीज़ें ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूज ना हो, दोनों योजनाएँ चिरंजीवी नाम से शुरू होती हैं और बीमा बीच में आता है, केवल पूरी चीज़ पढ़नी जरूरी है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लिखा हुआ है तब 10,00,000, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लिखा हुआ है तब 5,00,000। एक और योजना है चिरंजीवी नाम से, जिसका नाम है चिरंजीवी जीवन रक्षक या चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जिसमें सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को यदि कोई दूसरा व्यक्ति अस्पताल पहुंचाता है समय रहते, तब सरकार उसको पुरस्कार स्वरूप कुछ राशि प्रदान करती है, वो है चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। आगे बढ़ते इसमें साथ ही ये भी बताया गया है कि कौन कौन से जो नए पैकेज हैं इस योजना में शामिल किए गए, जैसे कि कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट,
ब्लड प्लेटलेट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और लिम्ब प्रोस्थेसिस या बोन कैंसर, इसके साथ ही कॉकलियर ट्रांसप्लांट, कॉकलियर लिखा हुआ ही है। कई सारे नए पैकेज हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। इसी योजना को यहाँ स्लाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, पीपीटी फॉर्मेट में, जैसे कि घोषणा कब की गई, बजट 2021-22 में, प्रारंभ कब से हुई, तो 1 मई 2021 से। अभी कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में शायद वन रक्षक वन पाल वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये योजना कब से शुरू हुई है। आगे उद्देश्य क्या है, तो पात्र परिवारों को स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को कम करना, साथ ही पात्र परिवारों को राजकीय अस्पतालों के साथ साथ जो निजी अस्पताल से संबंध है उसमें भी उनको गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं युक्त इलाज उपलब्ध कराना, और राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। ये तीन इतने बड़े पॉइंट यहाँ लिखने का उद्देश्य क्या है कि अगर इसमें से क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है तो सेंटेंस उसमें दिए जाते हैं, जैसे कि अगर ये पूछा जाए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, और कह दिया जाए यह योजना केवल राजकीय जो चिकित्सालय हैं उनमें ही लागू होगी, तो ये कथन असत्य है क्योंकि ये राजकीय साथ ही साथ निजी चिकित्सालय जो दो हैं उन दोनों में लागू होती है। योजना के लिए पात्र परिवारों के स्वास्थ्य पर व्यय को में कटौती लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पात्रता क्या है, कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, राज्य के समस्त परिवार इस योजना के तहत पात्र होंगे, यानी कि कोई खास पैरामीटर नहीं है। किन के लिए योजना पूरी तरह से निःशुल्क है, तो लघु व सीमांत किसान उनके लिए पूरी तरह से योजना निःशुल्क है, संविदाकर्मी कर्मचारी उनके लिए निःशुल्क है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के जो पात्र परिवार हैं उनके लिए भी योजना निःशुल्क है, और निराश्रित व असहाय परिवार, साथ ही कोविड-19 के कारण जो परिवार निराश्रित हुए हैं, वो यहाँ कोविड-19 लिखना रह गया है, उन परिवारों को भी निःशुल्क कैटेगरी में शामिल किया गया है। शुल्क श्रेणी में फिर कौन है, तो इनके अलावा जो भी बचे वो शुल्क श्रेणी में, यानी कि कृषक, संविदाकर्मी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के पात्र परिवार और निराश्रित व असहाय परिवार, इनको अगर हटा दिया जाए तो बाकी सबसे शुल्क लिया जाएगा, और वो शुल्क कितना होगा, 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष। ये जो 850 रुपये है ये भी कुल प्रीमियम राशि का, यानी कि जो प्रति वर्ष उनको पॉलिसी की प्रीमियम राशि भरनी होगी उसका 50% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 850 रुपये तो उस परिवार को प्रति परिवार देने हैं प्रति वर्ष, और साथ ही 850 रुपये राज्य सरकार अपनी तरफ से भी देगी। इस तरह से अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो प्रीमियम राशि वार्षिक कुल कितनी हुई, 1700 रुपये। इस 1700 रुपये में 50% भरेगा ये पात्र परिवार और 50% भरेगी राज्य सरकार। नोडल एजेंसी कौन है, तो राज्य की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, यही इसका नोडल निकाय होगा। लास्ट में अभ्यास प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ अवस्थित है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। मैंने केवल जिलों के नाम लिखे हैं, फिर भी आप डिटेल में बताएं, यानी कि कौन से ज़िले में कौन सी जगह सोलर पार्क अवस्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा है। हमारी आज की क्लास में उसके बारे में जानकारी थी। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास, अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।